विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर आज राजधानी रांची में लोग अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर उतर गए हैं और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर सरकार से अपनी गुहार मनवाने पर डटे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं रांची के महात्मा गांधी रोड यानी कि एकरा मस्जिद के समीप, जहां लोग अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर अपने हाथों पर पर्चे लेकर अपने अधिकारों की मांग, अपने अधिकारों की गुहार सरकार से लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं इन अधिकारों का जो हनन हुआ है उसको लेकर कुछ शिकायतें भी हैं। क्या कुछ शिकायतें हैं और क्या कुछ मांग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। आज आप लोग यहां पर हैं, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का मौका है, क्या कुछ मांगे लेकर यहां हैं? देखिए, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है और हम लोग दिवस मना रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खाली दिवस ही मना रहे हैं अधिकार के लिए और अधिकार सरकार दे नहीं रही है, तभी ये मांगने के लिए खड़े हुए हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि जो हमारे अधिकार हैं वो अधिकार संविधान में दर्ज हैं और उसी जो पूरे अकलियत के समाज के जो डिमांड थे वो आपको चुनावी मैनिफेस्टो में आपने दर्ज किया, उसी के तहत जो आपकी सरकार भी आई और दो साल में आपने चुप्पी साध रखी है। पुरानी सरकार थी कि हमारे अधिकारों को कुचल रही थी, ये सरकार चुप्पी साधे हुई है। तो आप में और हम में, उनमें और आप में फ़र्क क्या पड़ा है? दो सालों में हम लोग देख रहे हैं कि हमारी स्थिति ये हो गई है कि हमें जो है सुरक्षा के लिए असुरक्षित टाइप का महसूस हो रहा है उसका। आपके हाथ में जो पर्चा है उसमें कानून बनाने की मांग लिखी हुई है, क्या है ये? देखिए, जिस तरह से अभी हम लोग झारखंड अलग हुए 21 साल हो गए, 21 साल में बालिग हो जाती है कोई भी, मतलब कि स्टेट का मामला में भी हम लोग देख सकते हैं, उसी मामले में हम लोग आगे बढ़ते हुए जिस तरह से मैनिफेस्टो में जो अब लोग के अभी महागठबंधन की सरकार है, तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उसने कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है जो अल्पसंख्यकों के लिए मांग उन्होंने रखते हुए लोगों के बीच में जाकर जनता से वोट मांगी थी। तो उसमें जैसे कि आपका मॉब लिंचिंग कानून का मामला था, उसमें कानून आपका था धर्मांतरण का, जिस तरह से लोग इसको एक प्रोपेगेंडा के तहत में यूज़ किए थे कि जबरदस्त धर्म का परिवर्तन कराया जा रहा है, उस पर भी आप लोगों ने कहीं पर कुछ नहीं किया। मतलब कि हर हिसाब से आप देखा जाए कि अल्पसंख्यक में जो हम लोग को हिंदू को छोड़कर, हमारे बहुसंख्यक भाइयों को छोड़कर जो भी हम लोगों के समाज आती है, धर्म आती है, चाहे वो इस्लाम हो, बुद्ध हो, क्रिश्चियंस हो, सिख समाज हो, वो कहीं से भी उपेक्षित अभी तक नज़र नहीं आ रही है सरकार का। तो झारखंड राज्य के करीब करीब 21 वर्ष होने को है, ऐसे में झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू है और सत्र का दौर चल रहा है, बावजूद लोग सड़क पर और सदन पर अपनी मांगों को रखने के लिए बेताब हैं और सरकार से अपनी मांगे मनवाने पर हैं। क्या कुछ है मांगे? देखिए, आज विश्व अधिकार दिवस, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है और हम लोग प्रत्येक वर्ष इसको मनाते हैं बहुत खुशी से, लेकिन आज तक हम लोगों को अपने अधिकार से वंचित रखा गया है। और जहाँ तक कानून बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं, सरकार को पता है, सरकार को हम लोगों ने कई बार कहा है कि मॉब लिंचिंग पे कानून बनना चाहिए, अल्पसंख्यकों के जो हित के जो भी आयोग हैं उनका गठन होना चाहिए। दो साल हो गया है, कहीं ना कहीं सरकार की जो चुप्पी है वो हम लोगों को लग रही है और सरकार को चुप्पी तोड़नी चाहिए। 21 वर्षों में मॉब लिंचिंग की भी कई घटनाएं हुई झारखंड में, आपके हाथ में जो पर्चा है कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग विरोधी कानून बनाने को लेकर के है, क्या कुछ है ये? देखिए, हमको लगता है ये भारत में सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग का कांड झारखंड में ही हुआ है। अब तक 53 कांड हो चुके हैं और किसी को भी सज़ा नहीं मिली, जो अभियुक्त थे उनको भी बेल पर छोड़ दिया गया। तो हम इस पर कानून बनाने के लिए ये जो सत्र चल रहा है और अभी तक सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई है, किसी तरह का कोई बिल नहीं लाई है, ये अफसोस की बात है। और अभी आज अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस है, लेकिन यहाँ पर अभी झारखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी नहीं हुआ है। इस सरकार से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब तक नहीं गठन किया जाना भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अल्पसंख्यक आयोग और जो हमारे अधिकार हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हमारी जो मांगे हैं, इसीलिए हम लोग ये सड़क पर आए हुए हैं कि हमें हमारी मांगों को पूरी की जाए। तो झारखंड की सत्ता पर चाहे जिस किसी भी राजनीति पार्टी की सरकार हो, हर किसी ने सर्वांगीण विकास की बात की, बावजूद अब तक अल्पसंख्यक जो है अपने हक अधिकार की मांग को लेकर
सड़क से सदन तक अपनी गुहार लगाने में डटी है। अब देखना होगा वर्तमान की हेमंत सरकार इन अल्पसंख्यक समुदाय खासकर इनकी मांगों पर कब तक सकारात्मक पहल करती है या फिर इनकी मांगे इसी तरह से जारी रहेगी। अपने सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।